तो हम अभी आपको सेक्टर 45 के उस पॉइंट से खबर दे रहे हैं जहां पर ब्रिज टूटा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी अफरा तफरी मची हुई है। कुछ डेड बॉडीज तो मलबे से निकाल ली गई है, लेकिन दो डेड बॉडीज अभी भी मलबे में दबी हुई है। इस संबंध में हमने पुलिस के आला अफसरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा तफ्तीश जारी है और अभी हम कुछ नहीं बता सकते। हमारे स्टेट के सीएम साहब कभी भी मौका वारदात पर पहुंच सकते हैं। उनका स्टेटमेंट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस हादसे के पीछे हमारे शहर के कुछ बड़े और नामचीन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। सबका यही कहना है इस हादसे की जिम्मेदार है इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी और उसके प्रोजेक्ट हेड संजू मेहरा।